हेलो एवरीवन, मैं सुमित शाह और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमर डेवलपमेंट के ऊपर, लोगों की हंसाने की कला, कैसे आप लोगों को हंसा सकते हैं। जी यहाँ पे आप ये समझिए कि जो इंसान सामने वाला इंसान को हंसा पाता है, वो इंसान उस इंसान को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है और लोग बंधे भी रहते हैं उन लोगों से जो लोग हंसा पाते हैं। आपको ऐसा बनना है कि जब लोग आपके पास आए और आपसे बात करें तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाए, वो अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाए कि वो कहाँ से आए थे और क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्या टेंशन था। बस वो आपके पास आए और आपके साथ रहे और आपके साथ बात करे और बस दो हंसी के पल जी पाए। अगर आप इतना ही कर पाते हो तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, आप समझो हो गया। यहाँ पे ह्यूमर डेवलपमेंट का ये कोर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। जो लोगों की अच्छी पर्सनालिटी होती है, आपने हमेशा देखा होगा कि वो लोगों को हंसाते हुए रहते हैं हर समय। अब हंसाने की कला आपको सीखनी पड़ेगी अगर पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो। इस वीडियो के अंदर हम उस कला के ऊपर बात करने वाले हैं। सी, ह्यूमर किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो निकलता है, इसकी क्या जो टेक्निक्स हैं वो आप कैसे सीख सकते हैं और क्या सीक्रेट है, हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो सबसे पहला सीक्रेट है, वो है स्टॉप ओवर थिंकिंग। लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं बात करने से पहले, रिस्पॉन्स देने से पहले, आंसर देने से पहले, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोचने से कुछ नहीं होता। यदि आप सोचते हो तो प्रोफेशनल आंसर देते हो, लॉजिकल आंसर देते हो, आप फॉर्मल हो जाते हो, और फॉर्मल होने से, प्रोफेशनल होने से, लॉजिकल होने से इंसान कभी नहीं हंसता। हंसता कब है? जब आप स्पॉन्टेनियस होते हो, जब आप कोई इमिडिएटली बात करते हो जो आपके मन में आ रहा है, से व्हाट कम्स टू योर माइंड, जो आप हो उसी बेसिस पे आप लोगों को हंसा पाओगे। बट जो आप हो उसे डेवलप भी करना है, तो जो आपके मन में इमिडिएटली थॉट्स आ रहे हैं तो उसे बोलना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी होता है क्या कि हम लोगों को हंसाने के चक्कर में दूसरों को इंसल्ट कर देते हैं, लोगों को गलत बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हंसी के चक्कर में किसी दूसरे को गलत बोल देते हैं, हम लोगों को गलत बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो किस तरीके से क्या कवर करना है, क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी होता है लोगों को हंसाने की, थोड़ा सा एडवांस है बट मुझे आपको सिखाना है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट से रूल ऑफ थ्री, ये होता क्या है? ये रूल ऑफ थ्री वो रूल है जो हर कॉमेडियन यूज करता है। आप कोई भी कॉमेडी शो देख लो, उसमें ये रूल ऑफ थ्री यूज होता है। अब ये होता क्या है? रूल ऑफ थ्री कहता है कि ये तीन सेंटेंस होंगे। अगर आपको किसी को हंसाना है तो ये तीन सेंटेंस होंगे। पहला और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक जैसा होगा, और तीसरा सेंटेंस बिल्कुल अलग होगा। पहला दूसरा सेम होगा और बिल्कुल तीसरा अलग होगा। इससे होता क्या है, जब हमारा माइंड एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, एक ही डायरेक्शन में थॉट्स को ले रहा होता है, और एकदम से कुछ और थॉट्स आ जाता है जो वह दूसरी डायरेक्शन से होता है, तो माइंड एकदम से प्रोसेस नहीं कर पाता है, इसलिए हंसी निकलती है। हमारी हंसी इसलिए निकलती है क्योंकि जो दो थॉट्स बिल्कुल अलग होते हैं उन्हें हम एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते, हम एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं। अब वो किस तरीके से होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। अभी कल ही मैं किसी से फ़ोन में बात कर रहा था, मैं एक डील फाइनल कर रहा था, तो सामने वाले इंसान से मैंने बोला, क्या ये डील आज ही हो जाएगी? उसने बोला, हाँ जी बिल्कुल आज ही हो जाएगी, आज ही हम डील को फाइनल करने वाले हैं, हाँ जी बिल्कुल आज ही करने वाले हैं, तो आप आज ही मिठाई खाओगे? मैंने सेम टोन में दो सेंटेंस बिल्कुल सेम चीज़ बोली कि डील आज ही हो जाएगी, क्या ये डील आज ही फाइनल हो जाएगी, और तीसरा सेंटेंस क्या बोला, कि आप आज ही मिठाई खाओगे। अब ये मिठाई खाओगे ये शब्द ही डिफरेंट, लाइटली डिफरेंट। अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल अलग और लाते तो यहाँ पे ज़्यादा हंसी आती है। हंसी का लेवल डिपेंड करेगा कि थॉट्स कितने अलग हैं, और ये छोटा सा कनेक्शन भी होना चाहिए कि आपने क्यों बोला। आपने क्यों बोला उसका रीज़न यदि स्पेसिफिक नहीं होगी तो हंसी नहीं आएगी, तो वहाँ पे लेम जोक हो जाएगा। तो लेम नहीं होगा, लेम तब नहीं होगा जब दो चीज़ें एक साथ और तीसरा अलग करोगे। दिस इज रूल ऑफ थ्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, फॉलो फनी सोच। जब आप फनी शो देखोगे तो आप ध्यान से देखो, क्योंकि आपको जोक्स उठाने हैं वहाँ से। आपको देखना है कि वो कैसा रूल ऑफ थ्री को यूज करता है। आप कपिल शर्मा शो देखते हो, उसमें देखो कि आप कि कैसे वो रूल ऑफ थ्री को यूज करता है। रूल ऑफ थ्री हर कॉमेडियन यूज करता है। अब यहाँ पे आप फनी शो देखोगे तो आपका वह जॉली नेचर आएगा, आप भी लोगों को हंसा पाओगे, आपको नए जोक्स मिलेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये भी बोल सकते हैं। अभी नहीं पता, जब आप सुनोगे समझोगे तब आपको समझ आएगा कि ये भी बोल सकते हैं।
बट आपको फनी शो को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो मैं आपको फाइनल चीज बता रहा हूँ, लर्न सम जोक्स एंड कीप एडिंग न्यू वन। आपको समझना पड़ेगा कि कुछ जोक्स ऐसे होते हैं जो आपको याद भी करने पड़ते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आप एक नया जोक सुना पाओ। अभी मैं आपको इमिडिएटली बोलूँगा ना कि दो जोक सुनाओ, आपको याद नहीं आएगी, भूल गए क्या सुनाओ, है ही नहीं कुछ आपके पास, आपके पास बैकअप पे जोक्स ही नहीं है, आपको हंसाने हैं लोगों को तो आपको जोक सीखना पड़ेगा। 10-12 होने चाहिए कम से कम आपके पास बैकअप में होने चाहिए जिससे लोग हंसे। तो वहाँ जो फनी शो आप देख रहे हो तो उससे कुछ नए जोक्स निकाल लो और अपने बैकअप पे रख लो और अपने दिमाग में रख लो, और इसके साथ साथ हमेशा नए नए जोक्स ऐड करते रहो। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ जोक्स ही सुनाने हैं, बात है हमें उन सेंटेंस में उन चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम हंसी को ला सकते हैं, और हंसी को लाना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, जब हंसी आएगी तो लोग आपसे अटैच फील करेंगे। आगे, प्रैक्टिस टू नरेट द मोस्ट एम्ब्रेसिंग मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। अब यहाँ पे आप समझिए कि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम शर्मिंदा महसूस करते हैं बट हम किसी को बताते नहीं हैं। अब प्रैक्टिस करो बताने की कि क्या हुआ जी, मैं एक बार ऐसे ही जा रहा था और अचानक मैं लेडीज टॉयलेट में घुस गया। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे पता नहीं था कि लेडीज टॉयलेट है, बट वहाँ पे सारी लड़कियाँ एकदम से मुझे देखने लगी और एकदम से उन्होंने बोला उधर देखो उधर जाओ। जैसे ही मैं उधर देखा तो वहाँ पे लेडीज टॉयलेट लिखा हुआ था एंड वहाँ पे अपने पैंट में नीचे करने वाला ही था, और मैं जैसे ही मुझे पता लगा और मैं तुरंत ही वहाँ से भाग गया। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, आई एम जस्ट नरेटिंग टू स्टोरी टू यू। थिंक इज मोस्ट एम्ब्रेसिंग योर लाइफ, आपके जिंदगी में सबसे ज़्यादा एम्ब्रेसिंग क्या हुआ जहाँ पे आपको बहुत शर्म आई हो, बताओ ना लोगों को, उसमें हंसी आती है लोगों को। तो आपको लोगों को हंसाना है तो सबसे पहले इसकी आप प्रैक्टिस करो। फिर क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो आप भूल गए हो, बताते नहीं हो लोगों को, बट आपके लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत मैटर करती है। किसी से भी बात करते हुए आपके पास लाइफ के एक्सपीरियंस होनी चाहिए कि मैं वहाँ पे गया था ऐसा हुआ था, कि इसके साथ ऐसा हुआ था। तो आप जब देखोगे ना लोगों को तो लोग यही सब बात करते हैं, ह्यूमन बींग स्टॉक लाइक दिस ओनली। तो आप तो भाई मास्टर ऑफ साइकोलॉजी बनने वाले हो, अगर आपको मास्टर ऑफ साइकोलॉजी बनना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके ज़िंदगी में कौन सा एम्ब्रेसिंग मोमेंट है, तो उसे बताना शुरू कर दो लोगों को। बट ऐसा नहीं है कि आप उस इंसान से स्टिक हो जाओ, ग्लू हो जाओ उससे। जब कोई ऐसी बातचीत चल रही है और आपको लग रहा है कि मैं अपनी स्टोरी को, मैं अपनी बातचीत को यहाँ पर सुनाना ठीक रहेगा, तो आप सुनाओ, वहाँ पर अपनी एम्ब्रेसिंग मोमेंट को शेयर करो। ऑल राइट, जब लोग आपसे सीरियस बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, अगर कॉलेज के प्रिंसिपल हो या स्कूल के प्रिंसिपल आपसे बात कर रहा हो और इसके बीच आप ह्यूमर लाओ, इसके बीच हंसी लाओ, बट यस, बहुत सारे फ्रेंड्स की बहुत सीरियस कन्वर्सेशन चल रही है और वहाँ पे आपको लग रहा है कि सब मुंह लटका के बैठा है, यू ब्रिंग ह्यूमर, यू ब्रिंग लाइफ। आप लोगों के सामने जब बात करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीरियस हो हमेशा। आप लोगों से जब बात करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा ही आप सीरियस हो, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पसंद वो लोग नहीं आते हैं जो हमेशा सीरियस रहते हैं। वो उस इंसान को लाइक करता है जिसके साथ वो घुल मिल पाए, जिसके साथ वो बात कर पाए, जिसके साथ वो फनी फील कर पाए कि यू आर वेरी फनी। जब ये कॉम्प्लीमेंट कोई आपको दे दिया ना, तो उसी दिन आप समझ लीजिए कि ये वीडियो देखना आपका सक्सेसफुल हो गया। तो आप इसे प्रैक्टिस करो, जब आपसे कोई बात करे ना तो आप ह्यूमरस पे आंसर दो, आप आंसर दो बट ह्यूमरस पे दो। तो इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये बहुत आसान लग रहा है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये प्रैक्टिस करना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप इससे इसका आपको फल मिलेगा। अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।